सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल वीडियो है। तो हम सभी के घर में कुछ ना कुछ चीजें तो डेली टूटती ही रहती है, जिनमें सबसे ज्यादा होता है कि हमारे घर में कप सबसे ज्यादा टूटते हैं। आप जितना भी संभाल के रखो लेकिन वो टूट जाते हैं, फिर उनका क्या किया जाए। तो मैंने सोचा चलो आज इसी का कुछ DIY करते हैं। तो आप वीडियो पूरी देखिएगा, आपको मैं 2 DIY करके दिखाऊंगी। तो और बहुत ही क्विक और इजी है, फटाफट से 2 मिनट में आप उसको कर सकते हो, बहुत ज़्यादा आपका टाइम भी नहीं लेगा। तो चलिए हमारी आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये है मेरा वो टूटा हुआ कप या कॉफ़ी मग आप बोल सकते हैं। तो वैसे तो क्या होता है ना, नॉर्मली जो कप टूटते हैं ना हमारे घर में, तो उनमें तो कुछ बचता ही नहीं है बनाने लायक। बट इसका क्या है, सिर्फ हैंडल ही टूटा था, तो मैंने सोचा चलो इसका कुछ कर लेती हूँ। सो इसके साथ हम बहुत ही ईजी सा DIY बनाएंगे। और फिर हमारे घर में हमारे पास काफ़ी सारे दुपट्टे या कुछ पुराने सूट वगैरह होते हैं ना, जो हम छोड़ देते हैं, बट उनमें काफ़ी सारी जो लेस लगी होती है अच्छी सी दुपट्टे में, या हमारे जो सूट होते हैं जो पुराने कोई भी क्लोथिंग है जिनमें लेस लगी होती है, तो उसको मैं निकाल लेती हूँ। तो मेरे पास एक ये ऐसे लेस पड़ी हुई है, पुरानी है, तो इसको मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ कुछ इस तरह से। काफ़ी चौड़ी थी तो ये इसको पूरा, मतलब ऊपर और नीचे का थोड़ा सा पार्ट छोड़कर ये इसको पूरा कवर कर रही है। और दिखने में इसका कॉम्बिनेशन, इसका लुक भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैंने इसको कुछ इस तरह से इसमें राउंड लपेट दिया है। आप चाहे तो कट करके इसको चिपका दीजिए, अगर चिपकाना नहीं चाहते हैं मेरी तरह। मैंने इसको चिपकाया नहीं है, मैंने क्या किया है इसको बस लपेट दिया है। और जब हम कुछ कोई नई न्यू शर्ट वगैरह लेकर आते हैं ना, तो उसके साथ कुछ पिंस वगैरह आती है, तो वो अगर आपके पास पड़ी हो तो वो उससे आप इसको यहाँ पर स्टिक कर दीजिएगा, ये लग जाएगा। अदरवाइज़ कुछ एक दो टाके लगा सकते हैं, या आप इसको पेस्ट भी कर सकते हो। अगर आप इसको स्टिक मेरे जैसे लगाते हैं तो इसको आप अदर बाद में किसी अदर यूज़ के लिए भी ले सकते हैं, और अगर स्टिक कर देते हैं तो फिर वो इसमें स्टिक हो जाएगी। और इसको आप अपनी किचन की विंडो पे या अपनी स्टडी टेबल पे या फिर जहाँ पर आप डेकोर करना चाहते हैं वहाँ पर इस तरह से फ्लावर लगा कर रख दीजिए, ये बहुत ही प्यारा लगेगा। तो आते हैं हमारे सेकेंड DIY पे। इसमें मैंने यहाँ पर एक कार्डबोर्ड को राउंड शेप में कट कर लिया है, और इसके ऊपर मैं जो हमारी कलर शीट्स आती है ना, तो बस इसका जो साइज है उससे बस थोड़ी सी बड़ी मैं कट कर लूँगी, और उसको हम जो हमारा हमने ये सर्कल काटा हुआ है इसके ऊपर मैं उसे पेस्ट कर दूँगी अच्छे से। तो गाइस, जो पहला DIY अभी हमने बनाया है, अब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और फटाफट से देखिए, था ना बिल्कुल ईजी सा। और जो हमारा सेकेंड DIY बना रहे हैं, ये भी काफ़ी इजी है और ये भी बहुत सुंदर बनेगा। आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ आएगा। मैंने इसको कट कर लिया है और यहाँ पर इसको मैंने इस पे अच्छे से पेस्ट कर दिया है। यहाँ पर एक वाइट पेपर मैंने लिया है, जहाँ पर थोड़ा सा हम एक हाफ सर्कल ड्रॉ करेंगे और उसको सेम शेप में कट कर लेंगे। तो हमने जो सर्कल कट किए थे ना, उनको मैंने पेस्ट कर लिया है। इसके बाद हम इसमें बच्चों के लिए कुछ कार्टून कैरेक्टर टाइप्स होता है ना, मैं वैसा कुछ बना रही हूँ जो कि उनको काफ़ी अच्छा लगता है बच्चों को। तो और ये मैंने इसके ईयर्स कट कर लिए हैं, कुछ बनी टाइप बनेगा ये। और जो इसकी वाइट पार्ट है उसको मैं एज ए आइज़ यूज़ करूँगी, उसमें स्केच पेन की हेल्प से उसकी ब्लैक डॉट बना दीजिएगा, ड्रॉ कर दीजिए, तो वो आइज बन जाएंगी उसकी। और इसको मैं थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए थोड़ा सा इसमें कलर मैं ऐड कर रही हूँ, अलग अलग कलर की चीज़ें लगा रही हूँ। आप चाहें तो 2 कलर कॉम्बिनेशन में भी बना सकते हैं, मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा कलर यूज़ किए हैं।
जिससे कि थोड़ा सा ज़्यादा सा कलरफुल और अट्रैक्टिव दिखे। और इसके बैक साइड पे मैंने सेम कलर का या किसी भी कलर का आप एक राउंड सर्कल, पीछे से भी मैंने इसे अच्छे से कवर अप कर दिया है। आप चाहें तो इस तरह मेरी तरह से जो ये पेपर की पट्टी है वो काट कर इसको स्टिक कर सकते हैं। बाद में मुझे एक आइडिया है, मैंने ये यहाँ पर एक रिबन यूज़ किया है और इसमें मैंने नॉट लगाकर इसको इस तरह से, हमारा पेन होल्डर बनकर रेडी हो गया है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। इसको आप अपनी स्टडी टेबल पर रखिए, रखा हुआ भी बहुत प्यारा लगेगा और बच्चे भी इसके साथ बहुत खुश रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरे दोनों DIYs कैसे लगे जरूर बताइएगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट DIY में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।